इंडियन बैंक द्वारा संचालित नारायणपुर ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक केंद्र बंद कर फरार। खाता धारकों में मची खलबली। खाता धारकों की माने तो करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है। सैकड़ों की संख्या में खाता धारकों ने हरैया थाने पहुंचकर तहरीर दी है, साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को पत्र देकर अपने पैसे की सही सलामती के वापसी की न्याय की गुहार लगाई है। खाता धारकों का आरोप है कि ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ग्राहकों का पैसा गमन कर फरार हो गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच कराकर कड़ी कार्रवाई होगी, खाता धारकों के पैसे का नुकसान नहीं होगा। इंडियन बैंक द्वारा नारायणपुर गांव में ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन किया जा रहा था, जहां गांव के किसान ग्रामीण महिलाएं थोड़ा थोड़ा करके छोटे खाते का संचालन करते हैं। इसी से ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। लेकिन एक हफ्ते से गांव का सेवा केंद्र संचालक केंद्र बंद कर फरार हो गया है, जिसको लेकर खाता धारकों ने मेन ब्रांच पहुंचकर अपने खाते की जानकारी ली तो खातों में रुपए न होने की जानकारी मिली, जिससे खाता धारक परेशान होकर थाने पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर तहरीर दी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हमारे खाते थे अंगूठा लगाकर गलत तरीके से भुगतान करा लिया गया है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। और कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि मेरे द्वारा जमा किए गए रुपए को खाते में न जमा कर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक द्वारा गमन कर लिया गया है। इस मामले में इंडियन बैंक इलाहाबाद के शाखा प्रबंधक ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। फिलहाल ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के भाई ने बताया कि कुछ स्वास्थ्य समस्या के कारण केंद्र बंद कर बाहर है, लेकिन जब ये बात पूछी गई कि क्या स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल सर्टिफिकेट बैंक ने दिया या लिखित में इलाज की सूचना दी गई, तो उन्होंने नहीं में जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जांच करा रहे हैं, उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कहा कि ग्राहकों के पैसे का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जो लड़का हमारा पैसा भेजता था, लड़का जाता था अगर चेक कराने के लिए, अंगूठा कहते थे रखो, बैलेंस बताएं, उसके बाद बैलेंस वो अपने आप ट्रांसफर कर लेते थे अपने खाते में, और यहाँ पैसा देते नहीं थे, हमको पैसे की जरूरत नहीं थी। हमारे में से ऐसे ही किए कि आईसी फार्म लगवाने के चक्कर में अंगूठा लगवा लिया, अप्रैल में ही खाता बंद हुआ, मार्च तक छाप के दिए थे, पैसा फिर भी पूरा खाता से गुम हो गया। कितना पैसा गया आपका? हमारे खाते से 3,48,000 गया है, लड़के के खाते से 70,000, एक के खाते से 50,000, लड़की के खाते से 40,000। तो आप बड़े ब्रांच में नहीं गए? नहीं गए, वहाँ से एस्टीमेट निकाले तभी तो पता पाए हैं, जब यहाँ बैंक बंद कर दिया तो एस्टीमेट निकाले तो वहाँ से पता। साहब हमारे खाता से 4.5 लाख रुपया निकल गया है, तो हमारे खाते में आधा पैसा चढ़ा हुआ, आधा पैसा चढ़े लगा, दुखिया के खाता से 1,20,000 रुपया, फिर आदमी के खाता से पैसा निकल गया है, फिर तीन एक एक लड़की एक लड़का के वो पांच परिवार के खाते से पैसा निकला। नहीं तो कैसे निकला है, कहाँ जमा किए थे आपने? इलाहाबाद नारायणपुर बैंक से। तो कौन संचालक था? अजय मिश्रा पहतिया। नहीं तो जैसे वहाँ आप पैसा निकालने जा रही थी जाती थी तो कैसे निकालते थे वो पैसा? साल जमा करे जात रहे हैं और वो जमा नहीं कर रहे हैं, जो जमा रहा वो निकाल के धाई लेते रहे। नहीं तो कैसे आपसे कभी अंगूठा भी लगवाए थे? हाँ चेक करे को तो अंगूठा लगवाए। क्या नाम है आपका? शांति। हमारे खाते में सर बच्चों को मिला के मैडम को मिला के 6.5 लाख रुपया है, और ये 4 तारीख को शनिवार को फरार हुई, और इसके बाद हम अपने खाता को जाके वहाँ इंक्वायरी किए हरैया में, और छोटे कंप्यूटर के वहाँ जांच किए, फिर डोहवा बैंक में जांच किए, किसी खाते में 4,000, किसी खाते में 2,000, किसी खाते में 500, किसी खाते में 1,300, और ये सब डोहवा ब्रांच से मिनी नारायणपुर गांव में बैंक छोटा खुला है, वहां से एरा फेरी अंगूठा धरा के काम सारा काम घोटाला हुआ है। तो कौन घोटाला किया? अजय मिश्रा पहतिया। तो वो कैसे घोटाला कर लिया? अब वो अपने अंगूठा लगवा करके अपना भी अंगूठा इस्तेमाल किया, कोई सबूत नहीं किसी को दिया, किसी को दिया है तो फिर भी कोई सबूत रहने से कोई फायदा नहीं। तो हमारा एक खाता वहाँ डोहा बैंक में था जो कि बंद हो गया था, बिना YC हमको लगाने से हम पैसा अपना नहीं निकाल पाते, और वो कैसे हमारा पैसा निकाल लिया 20,000 रुपया? तो वहाँ आए हैं आज हम थाने हरैया आए हैं अप्लीकेशन देने। हाँ अप्लीकेशन हम कल डाल दिए थे, और कल डालने के बाद सर बोले कि और संख्या में बढ़ के आइए तब यहाँ की कार्रवाई आपका सख्त से सख्त किया जाए। ठीक ठीक
दोनों ने तो ये बताया है कि वो कहीं पे हॉस्पिटलाइज हैं, वो आ जाएंगे कुछ दिन में। और कुछ ग्रामीण आए थे, उनका ये आरोप था कि वो कुछ पैसा जो है अपना गलत ढंग से लेके भागे हुए हैं। तो जिनका आरोप है वो जो है अपना शिकायत दर्ज कराए, मैंने ऐसा बोल दिया है और लिखित शिकायत प्राप्त होने पर इसी पर कार्रवाई की जाएगी। सर एक क्या हॉस्पिटलाइज हैं, क्या मेडिकल भी लगाए हैं आप यहाँ? अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो उन्होंने केवल सूचना दी है। मामला आज संज्ञान में लाया गया है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो नॉर्म्स हैं और जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं जनसेवा केंद्र की, उनका उल्लंघन किया गया है। और कुछ महिलाओं से मैंने व्यक्तिगत रूप से वार्ता की है। बैंक में पैसा जमा कराने की जो उनकी स्थिति थी, पर्चियां मैंने खुद ने देखी हैं और निश्चित रूप से उन्होंने पैसा जमा कराया है। अब इसमें यह देखना होगा कि जो जनसेवा केंद्र संचालित करने वाला जो व्यक्ति था उसकी स्थिति कहाँ है। अभी थाने पर वार्ता की है, उसको ट्रेस किया जा रहा है और शीघ्र ही इसकी जांच करवा के मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी व्यक्ति का जो मौद्रिक नुकसान है वो नहीं है।